चलें स्टार्ट करें बेटा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज मुदस्सिर सनाउल्लाह। बिफोर यू गाइस, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लैथरेट कंपाउंड्स। क्लैथरेट कंपाउंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। इनको केज कंपाउंड्स भी कहा जाता है, इंक्लूजन कंपाउंड्स भी कहा जाता है, होस्ट गैस कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। बेसिकली क्लैथरेट जो वर्ड है उसका मीनिंग ये है, किसी चीज़ को अपने अंदर एंट्रैप कर लेना या किसी चीज़ को कवर कर लेना। उसके अलावा इनको केज कंपाउंड्स भी कहा जाता है। केज कंपाउंड्स इस वजह से कहा जाता है कि इसमें जो एक मॉलिक्यूल है वो एक पिंजरे की तरह एक्ट करता है और दूसरा मॉलिक्यूल आप समझ लें कि एक बर्ड होता है और उसके अंदर आके ट्रैप हो जाता है। इनको इंक्लूजन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इंक्लूजन का मतलब होता है एडिशन ऑफ समथिंग या किसी चीज़ की दूसरी चीज़ में इंट्रोडक्शन या कि एक चीज़ की दूसरी चीज़ में प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ समथिंग इनटू समथिंग। A class of addition compounds where the constituent of the complex is trapped in the open lattice or cage-like crystal structure of the other to yield a stable arrangement. Basically, इनको inclusion compounds इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें एक molecule के अंदर दूसरा molecule आकर entrap हो जाता है। अगर हम simple wording में इसको समझने की बात करें तो जिस तरह ice formation होती है तो ice का volume 9% increase हो जाता है और उसकी density decrease हो जाती है। Basically, उसमें interstitial spaces create हो जाती है। इसी तरह जिन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर इस तरह की इंटरस्टीशियल स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं तो उनके अंदर आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल आकर एंट्रैप हो जाते हैं। इस तरह दो चीजों की एडिशन हो जाती है जिसकी वजह से इन्हें हम इंक्लूजन कंपाउंड्स कहते हैं। Clathrates crystallize in a cage-like lattice in which the coordinating compound is entrapped. Molecular size of the encaged component is important. यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि एक तो size of the cavity और दूसरा molecular size of the incoming noble gas molecule. क्योंकि अगर हम देखें तो cavities जो हैं वो suitable होंगी for some of the noble gas molecules. जिस तरह अगर हम देखें कि हीलियम नियॉन है वो क्लैथरेट फॉर्मेशन नहीं करते, जबकि क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन वगैरह हैं वो क्लैथरेट फॉर्मेशन करते हैं। उसकी वजह यही है, मॉलिक्यूलर साइज। हीलियम नियॉन का मॉलिक्यूलर साइज बहुत ही कम होता है जो कि उन कैविटीज के अंदर से एस्केप कर जाते हैं, पास थ्रू कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ये इंक्लूजन कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते। इसके अलावा हाइड्रोकोनियन क्रिस्टल्स दैट ट्रैप्स मैथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसीएल बट नॉट स्मॉलर एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स। अगर हम हाइड्रोकोनिन की बात करें, हाइड्रोकोनिन बेसिकली इसका दूसरा नाम कोइनोल होता है और ये होती है बेंजीन 1,4-डाई ओइक एसिड। इसमें 1 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। बेसिकली ये डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन होती है। तो इसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मैथानोल और HCl की ट्रैप करने से, उसको अपने अंदर एंट्रैप करने से ये हाइड्रोकोनिन के क्लैथरेट फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसका साइज मैथानोल, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl से ज़्यादा छोटा होगा वो भी हाइड्रोकोनिन के अंदर फिट नहीं होता, या उनसे बड़े हों तो वो भी फिट नहीं होते। इसके अलावा वारफेरिन सोडियम USP इज द क्लैथरेट ऑफ वाटर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड सोडियम वारफेरिन। ये क्लैथरेट है, इसका बेसिकली वारफेरिन सोडियम का बहुत ज्यादा यूज है मेडिकल फील्ड में। ये खून को जमने से रोकने वाली मेडिसिन में यूज होती है वारफेरिन सोडियम, और ये क्लैथरेट है वाटर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड सोडियम वारफेरिन का। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि क्लैथरेट को होस्ट गैस कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। जो इसमें जो होस्ट है वो बेसिकली वो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके अंदर वो कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर वो नोबल गैस के मॉलिक्यूल को एंट्रैप कर सकता है। जबकि जो इनकमिंग नोबल गैस का मॉलिक्यूल होता है, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ATC जो भी है, तो उसको हम गेस्ट मॉलिक्यूल कहते हैं। जिस तरह की एक मेहमान और मेजबान का रिलेशन होता है कि मेहमान मेजबान के पास जाता है। क्लैथरेट्स आर फॉर्मड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स बट अल्टीमेटली यील्ड केज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द टाइप of the host gas molecules. Clathrates of different dimensions and properties are formed. Conditions different ho sakti hain clathrate formation ke andar, mukhtalif clathrates form ho sakte hain, lekin jo ultimate hamare paas product aani hai, jo ultimate hamare paas ek addition inclusion compound aana hai, wo ek cage type of structure hi hoga. Iske ilawa inki properties different ho sakti hain. लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन केमिकली वो सिमिलर भी हो सकते हैं। इसकी वजह क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। द इनर्ट गैसेज आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन फॉर्म सॉलिड कंपाउंड विद सर्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज फिनोल, हाइड्रोकोनिन अंडर प्रेशर।
तो जो गैस के जो इनर्ट गैसेस हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं आर्गोन, क्रिप्टोन, ज़ीनोन, एक्सेप्ट हीलियम एंड नियॉन, ये क्लैथरेट फॉर्मेशन करते हैं अंडर प्रेशर विद फिनोल एंड हाइड्रोक्विनोन. इन दीज कंपाउंड्स द इनर्ट गैसेस आर एनक्लोज्ड इनटू द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो ये जो आर्गोन, क्रिप्टोन, ज़ीनोन है वो एज अ गेस्ट के तौर पर एक्ट करती हैं, और जो दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो एक होस्ट के तौर पर एक्ट करता है. क्या मेरी आवाज आ रही है क्लास को? जी आ रही है बताइए। दीज कंपाउंड ओके थैंक्स दीज कंपाउंड्स आर नोन एज क्लैथरेट्स, डिराइव फ्रॉम लैटिन क्लैथ्रोट मीन्स एनक्लोज्ड आर प्रोटेक्टेड बाय क्रॉस बार्स आर ग्रेटिंग. तो जिस तरह के एक केज होता है. जी कोई इशू है? बहुत कम आ रही है, नहीं इशू तो कोई नहीं, बहुत ज्यादा कम आ रही है एक बेटा। मिनट. बिल्कुल सही आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू रखो। ओके सर. तो जिस तरह एक केज होता है उसके अंदर हम अगर एक बर्ड को ट्रैप कर दें और उसको हम लॉक कर दें, तो इसी तरह के ये क्लैथरेट्स होते हैं जिसको हम कह रहे हैं एनक्लोज और प्रोटेक्टेड बाय क्रॉस बार्स और ग्रेटिंग. दीज आर आल्सो रेफर्ड एज केज कंपाउंड्स बिकॉज अ होस्ट मॉलिक्यूल एक्ट लाइक केजेस. तो ये जो होस्ट का मॉलिक्यूल होता है जिसके पास इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं और वो नोबल गैस के मॉलिक्यूल का अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, तो उसको वो कह रहा है कि वो एक केज के तौर पे एक्ट करता है, जिस तरह के एक पिंजरा बर्ड को पकड़ने के लिए हम यूज करते हैं. इन क्लैथरेट्स द नोबल गैसेस आर ट्रैप्ड इनटू द कैविटीज ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैविंग द कैविटीज ऑफ द क्रिस्टल लैटिसेस कॉल्ड होस्ट, व्हाइल द एटम ऑफ द नोबल गैसेस एंड ट्रैप्ड इन इट इज कॉल्ड गेस्ट. इन दीज कंपाउंड्स द गेस्ट कंपोनेंट हेल्ड बाय वंडर वाल फोर्सेस इन क्रिस्टलाइन केजेस फाउंड बाय द होस्ट सब्सटेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व इन दीज कंपाउंड्स. तो अगर हम बात करें कि जिसको हम कह रहे हैं गेस्ट मॉलिक्यूल जो कि जीरो ग्रुप का मेंबर है, क्रिप्टोन, ज़ीनोन, रिडोन है, तो वो उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है वो, इसीलिए हम उनको जीरो ग्रुप का एलिमेंट भी कहते हैं और वो स्टेबल होती हैं. तो ये यहाँ पे ये जरूरी है कि जो होस्ट गैस रिलेशन होता है वो वीक वंडरवाल फोर्सेस से क्रिएट किया जाता है, ना कि यहाँ पे कोई भी केमिकल बॉन्डिंग होती है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो केमिकली तो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन वो फिजिकली वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. कॉन्सिक्वेंटली देर इज नो केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व इन दीज कंपाउंड्स. इट इज नॉट निसेसरी दैट ऑल द कैविटीज इन द होस्ट स्ट्रक्चर आर फिल्ड. ऐसा भी हो सकता है कि कैविटीज बहुत ज्यादा पैक्ड हो जाए ज्यादा नोबल गैस के मॉलिक्यूल से, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सी कैविटीज फिल होने से रह जाएं होस्ट की. एज अ रिजल्ट द क्लैथरेट आर नॉर्मली नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. तो इनको हम इसीलिए नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. बेसिकली नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर जिनको हम एक होल नंबर रेशियो से उनके प्रोपोर्शन को, एलिमेंटल प्रोपोर्शन को हम शो नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, एक हमारे पास इंक्लूजन कंपाउंड है उसको हम शो कर रहे हैं 2.5:3 से नोबल गैस के मॉलिक्यूल होस्ट गैस रिलेशन को, या हम उसको शो कर रहे हैं 3.5:2 से, एक होल नंबर से हम शो नहीं कर रहे. फ्रैक्शंस में अगर उसका एलिमेंटल प्रोपोर्शन आ रहा है तो वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं. ये इसलिए होता है कि अक्सर होता है कि हमारे पास नोबल गैस के मॉलिक्यूल या तो ज्यादा आ जाते हैं या फिर बहुत कम आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कैविटीज कभी ज्यादा पैक्ड हो जाती हैं या कम फिल होती हैं. तो इस वजह से ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. द गेस्ट कैन एस्केप फ्रॉम द होस्ट बाय हीटिंग द क्रिस्टल्स आर बाय डिसॉल्विंग देम इन अ सूटेबल सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल. तो अगर हमने उनको वहां से एस्केप करवाना हो गेस्ट के मॉलिक्यूल को, वहां से हमने अगर उनको भगाना हो, तो या तो हम उन्हें हीट करके निकाल सकते हैं या फिर किसी सूटेबल सॉल्वेंट में अगर हम इनको डिसोल्व कर दें तो फिर भी वो एस्केप कर सकते हैं वहां से. यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं क्लैथरेट फॉर्मेशन के. पहली बात तो सिंपली ये है कि जो होस्ट है उसके पास कैविटीज सूटेबल होनी चाहिए. दूसरा ये है कि जो हमारे पास इनकमिंग नोबल गैस का मॉलिक्यूल है वो उसका साइज, मॉलिक्यूलर साइज जो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द होस्ट कंपोनेंट शुड कंटेन कैविटीज ऑफ अप्रोप्रिएट साइज. साइज ऑफ द गेस्ट कंपोनेंट शुड बी सच दैट इट शुड फिट इन द कैविटीज ऑफ द होस्ट कंपोनेंट विदाउट ब्रिंगिंग एनी एटम्स क्लोजर टूगेदर देन विच कोरेस्पॉन्ड टू द वंडरवॉल रेडियाई ऑफ द एटम.
तो अगर तो हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज इनकमिंग गैस का छोटा होगा, मिसाल के तौर पे हीलियम नियॉन को हम ले लेते हैं, तो वो तो क्लैथरेट फॉर्मेशन ही नहीं होगी क्योंकि वो एस्केप कर जाएंगे, वहां से पास थ्रू कर जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर बहुत बड़े हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाए गैस के और होस्ट के पास कैविटीज हमारे पास स्मॉलर हों, तो फिर भी वो क्लैथरेट अप्रोप्रिएट साइज के नहीं फॉर्म हो सकते। कुछ टाइप्स हैं क्लैथरेट की, जिस तरह गैस हाइड्रेट्स और वाटर क्लैथरेट, जिनमें वाटर एक्ट करता है एज अ होस्ट, कोइनोल क्लैथरेट, कोइनोल इसमें, या जिसको हम हाइड्रोकोनिन कहते हैं वो एक्ट करती है एज अ होस्ट, फिनोल एंड बीटा हाइड्रोकोनिन क्लैथरेट्स। ये बीटा हाइड्रोकोनिन बेसिकली हाइड्रोकोनिन की एक आइसोमर फॉर्म है जिसमें बीटा पोजीशन पे इसके हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होता है। ये इसकी तीसरी टाइप है क्लैथरेट की। गैस हाइड्रेट्स और वाटर क्लैथरेट्स ये क्या होते हैं? गैस हाइड्रेट्स आल्सो कॉल्ड वाटर क्लैथरेट्स, क्लैथरेट्स ऑफ आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इन विच वाटर मॉलिक्यूल इज द होस्ट कंपोनेंट आर कॉल्ड गैस क्लैथरेट्स और वाटर क्लैथरेट्स। दीज हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय सॉलिडिफाइंग वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। अगर हम वाटर को और क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन या रेडॉन वगैरह ले लें, उनको हम सॉलिडिफाई करें, तो ये गैस क्लैथरेट्स हमारे पास फॉर्म होते हैं। अगर हम इनका केमिकल फॉर्मूला देखें तो यू कैन सी दैट 5.75 H2 into G, where G represents the noble gases. तो 5.75 वाटर कंटेंट देखें तो इनकी रेशियो, जैसा कि मैंने बताया, नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, तो 5.75 फ्रैक्शंस में इनको हम शो कर रहे हैं। नो गैस हाइड्रेट ऑफ हीलियम एंड नियॉन हैज येट बीन प्रिपेयर्ड इवन अंडर हाई प्रेशर ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाईली वोलेटाइल नेचर। तो हीलियम नियॉन का मैंने आपको बताया, एक तो ये हाईली वोलेटाइल होते हैं और दूसरा ये है कि इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ये क्लैथरेट फॉर्मेशन नहीं करते। हाईली वोलेटाइल होने का मतलब ये है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ द गैस हाइड्रेट्स इंक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर ऑफ द गैस एटम इंक्रीजेस। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर गैस नोबल गैस का इंक्रीज होता है, वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी इनकी इंक्रीज होती है। लेकिन ये भी जरूरी है कि एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ हमारे पास जो कैविटीज हैं होस्ट के पास, वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इन नोबल गैस हाइड्रेट्स द वाटर मॉलिक्यूल आर लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, लीविंग रफली स्फेरिकल वॉइड्स व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय गैस एटम्स। तो अगर हम बात करें वाटर की, तो उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जिस तरह मैंने बताया है कि जब आइस फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, इसी तरह जो वाटर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो स्फेरिकल कैविटीज बनाता है, जिसके अंदर हमारे पास गैस के एटम ट्रैप कर लिए जाते हैं। अगर हम कोइनोल क्लैथरेट की बात करें तो इसमें कोइनोल एज अ होस्ट होगा। क्लैथरेट ऑफ आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग एनी ऑफ दीज इन एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कोइनोल अंडर अ प्रेशर ऑफ 10 to 40 एटमॉस्फेयर्स फॉलोड बाय स्लो कूलिंग। तो हम कोइनोल को पहले क्रिस्टलाइज करते हैं, स्लो कूलिंग उसकी करते हैं, उसमें कैविटीज फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद जब उसमें से हम आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन को पास करते हैं तो वो उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं बाय वंडरवाल फोर्सेस। दीज कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन एंड कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर्स। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन भी है कि हम आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन को स्टोर करने के लिए भी हम कोइनोल क्लैथरेट्स का यूज कर सकते हैं। हाउएवर व्हेन हीटेड और डिसॉल्वड इन वाटर द गैस एटम्स एस्केप एंड कोइनोल रिमेंस बिहाइंड एज सच। तो अगर हमने वहां से उसको एस्केप करवाना हो तो उसको हम हीट करेंगे या डिसॉल्व इन सूटेबल सॉल्वेंट। कोइनोल मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म द कैविटीज आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो कोइनोल मैंने आपको बताया उसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से कैविटीज फॉर्मेशन होती है और उन कैविटीज के अंदर हमारे पास नोबल गैस को ट्रैप कर लिया जाता है। अगर हम फिनोल एंड बीटा हाइड्रोकोनिन क्लैथरेट की बात करें तो ये गिवन बाय फिनोल एंड क्लैथरेट गिवन बाय फिनोल एंड बीटा हाइड्रोकोनिन विद आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग एनी ऑफ दीस गैसेस इन फिनोल और बीटा हाइड्रोकोनिन फॉलोड बाय स्लो क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले हम इनकी स्लो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, स्लो क्रिस्टलाइजेशन इस वजह से ताकि हमारे पास फाइन कैविटीज फॉर्मेशन हो, सूटेबल कैविटीज आ जाएं। दीज क्लैथरेट आर क्वाइट स्टेबल, ये भी स्टेबल होते हैं, और इनका अगर हम फॉर्मूला देखें तो 3 बीटा हाइड्रोकोनीन वेयर जी रिप्रेजेंट्स द नोबल गैस। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी भी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक तो उनके अंदर वंडरवाल फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं। देर इज नो केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व इन दीज कंपाउंड्स। केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफर नहीं होता, इस वजह से केमिकल बॉन्डिंग तो होती नहीं है, सिर्फ वंडरवाल फोर्सेज होती हैं, जिसको हम ये भी कह चुके हैं कि वो केमिकली सिमिलर हो सकते हैं बट फिजिकली दे कैन डिफरेंट। ऑल द कैविटीज इन द होल स्ट्रक्चर आर नॉट नेसेसरी फिल्ड, ये भी
हम पहले बात कर चुके हैं. एज अ रिजल्ट द क्लैथरेट आर नॉर्मली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लैथरेट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. बेसिक रीजंस कौन सी हैं? द गेस्ट मॉलिक्यूल्स आर टाइटली हेल्ड इन द कैविटीज ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल्स. वो टाइटली हेल्ड कैसे किए जाते हैं? बेसिकली जो क्लैथरेट फॉर्मेशन होती है एक नोबल गैस होस्ट गैस रिलेशन के जरिए, तो जो हमारे पास होस्ट आता है और गेस्ट आता है तो वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे चले जाते हैं. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. द गेस्ट मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड टू लीव द कैविटीज इन होस्ट लैटिस ओनली व्हेन द फोर्स होल्डिंग द मॉलिक्यूलर केजेस टुगेदर आर ओवरकम. जब हम इन वैन डर वाल फोर्सेस को ओवरकम करेंगे तभी वो अगर हम उन्हें हीट करके उनकी बॉन्डिंग ब्रेक कर रहे हैं तो फिर वो वहां से लीव कर सकते हैं. सर अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करें बेटा, ये किसी बच्ची ने की है तो आपकी स्क्रीन जो है ना वो चली गई है. सर एक मिनट सर. सर स्क्रीन शेयर हो रही जी अब वही है. अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो क्लैथरेट के यूजेस में हमने पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हीलियम नियॉन आर्गोन को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं. इसके अलावा अगर हमने पढ़ा है कि हीलियम नियॉन जो है वो दो क्लैथरेट फॉर्मेशन नहीं करते ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी एंड स्मॉलर साइज, जबकि जीनॉन क्रिप्टॉन आर्गोन वगैरह क्लैथरेट फॉर्मेशन करते हैं. तो अगर हमने हीलियम नियॉन की सेपरेशन करनी हो तो फिर भी हम इन क्लैथरेट्स का यूज कर सकते हैं. इसके अलावा क्रिप्टॉन 85 जो कि एक रेडियो एक्टिव है, इसके अलावा ये रेडियो एक्टिव है तो ये बीटा रेडिएशन भी करता है, एमिट करता है. और इसके अलावा जो क्रिप्टॉन 85 है इंडस्ट्रियली हम इसको इंडस्ट्री के अंदर गेज द थिकनेस ऑफ द पेपर्स एंड टेक्सटाइल्स एंड शीट्स, मुख्तलिफ पेपर्स और शीट्स की जो थिकनेस है उनको मापने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं. जीनॉन 133 क्लैथरेट प्रोवाइड्स अ कॉम्पैक्ट सोर्स फॉर गामा रेडिएशन. जो जीनॉन 133 है वो गामा रेडिएशन का सोर्स है. इसके अलावा ये फिजियोलॉजिकली इनके एक्शंस भी बहुत ज्यादा हैं. इसके अलावा इनके मेडिकल में भी हमारे पास एप्लीकेशन है. क्लैथरेट कंपाउंड फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज रादर देन ऑन केमिकल सिमिलरिटी. इट कैन बी यूज प्रैक्टिकली इन द सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर बट फिजिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. जैसा कि हमने कहा है कि वो केमिकली सिमिलर हो सकते हैं, जिसकी वजह ये है कि उनमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती लेकिन वो फिजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, तो इस वजह से हम इनको यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं. दैट वॉज ऑल अबाउट माई टॉपिक. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. गेस्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं. बेसिकली यहाँ पर हमने जो पढ़े हैं वो ज्यादातर हमने नोबल गैस के क्लैथरेट पढ़े हैं. इसके अलावा और भी क्लैथरेट होते हैं, जिस तरह वाटर और मेथेन का क्लैथरेट एक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम फ्लेमेबल आइस कहते हैं. लेकिन यहाँ पे हमने बेसिकली जीरो ग्रुप के कंपाउंड ही पढ़े हैं. और ये नोबल गैसेस में ये रेंडोन के क्यों नहीं होते क्लैथरेट्स? नहीं, रेंडोन के होते हैं. ओके और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें.